भाई स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं रेड सॉस इंस्टेंट पास्ता। इसको बनाने में भी जरा भी टाइम नहीं लगता है और फटाक से बन जाता है। तो आओ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है पास्ता। आप कोई भी टाइप के पास्ता ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। और थोड़े से वेजेस लिए हैं। वेजेस में मैंने ना येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च ले लिया है, एक टमाटर और दो प्याज लिया है। सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इधर ना 200 ग्राम पास्ता ले लिया है। तो इधर मैंने 1.5 गिलास पानी गरम होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ना पास्ता चिपके ना। और अभी हम पास्ता डाल देंगे उबलने के लिए। उसको हमें थोड़ा सा उबालना है, जब तक पक ना जाए तब तक हमें मीडियम स्लो फ्लेम में ही हमें इसको पकाना है। तो अभी जब तक पास्ता पक ना जाए ना तब तक हम सब्जियां काट लेंगे। तो इधर मैंने सब कुछ सभी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया है, सबको मैंने आधा आधा काट लिया है। सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने सभी के शिमला मिर्च ना हाथों से चॉप किया है, फिर टमाटर चॉप किया है, प्याज चॉप किया है। आप चाहे तो सब्जियों को वेजिटेबल कटर में भी चॉप कर सकते हो। बीच बीच में हमें पास्ता भी अच्छे से हिलाना है ताकि चिपके ना। देखो सब्जियां काट के रेडी है और हमारा जो पास्ता है वो भी तैयार है। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करूँगी। जो पास्ता का जो पानी बचा हुआ है ना वो हमें निकाल लेना है। देखो पास्ता हमारा रेडी है, अभी हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। आओ पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने पैन ले लिया है, उसमें ना 2 टेबलस्पून बटर डाला हुआ है। बटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कोई कोई लोगों को ज़्यादा बटर खाने की आदत होती है तो वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ना सारी सब्जियां डाल देना है। देखो बहुत ही कलरफुल सब्जियां लग रही है, तो इसका पास्ता का लुक भी बहुत बेटर आएगा। थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। पास्ता में ना ये इटालियन डिश है, तो इटालियन डिश में ना जो भी सब्जियां हम डालते हैं ना उसमें सिर्फ हमें 70% ही पकाना रहता है, हमें पूरी सब्जियों को नहीं पकाना रहता है। तो देखो सब्जियां 70% पक गई है, उसके अंदर हम साथ साथ पास्ता भी डाल देंगे। अभी ये इंस्टेंट पास्ता है तो हमें ना सॉस भी इंस्टेंट यूज़ करना होगा। तो ये पास्ता और पिज़्ज़ा दोनों का सॉस है, आपको किधर भी मार्केट में मिल जाएगा या फिर पास्ता का सॉस भी मिल जाता है। तो ये रेड सॉस पास्ता बनाने का सॉस है। तो इधर मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इधर केचप डाला हुआ है और मेरे को ना पास्ता थोड़ा तीखा पसंद है, तो इधर मैंने 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस डाला हुआ है। सबको अच्छे से मिक्स कर दो। अभी पास्ता में ना थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ना मैंने इधर 1 चम्मच मेयोनीज का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है। देखो पास्ता ना थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। हमारा पास्ता ना अभी बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर दो और हॉट हॉट सर्व करो। देखो अगर आपको बाहर वाला लुक चाहिए तो आप कुछ इस तरह से सर्व कीजिए पास्ता को। ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालो अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद हो। और थोड़ा सा हमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लो। अगर आपके पास मोज़रेला है तो मोज़रेला ग्रेट कर लो। पास्ता का लुक ना बिल्कुल बार कैफे जैसा दिखेगा। देखो इस तरह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अगर आप इंस्टेंट सॉस यूज़ करोगे ना तो आपका पास्ता पूरा बार जैसा बनेगा। ट्रस्ट मी गाइस, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।